गुड मॉर्निंग गाइस, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ 9 बजे से। आप सब लोग कैसे हैं? आई हो आप लोग सब ठीक होंगे, अभी बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों का वेलकम है माई न्यू ब्लॉग में। और देखो गाइस, आज का क्या ही नज़ारा है। और बहुत दिनों बाद आज मन की जैसा हुआ है और हो गई है खूब बारिश। कल तो ना के बराबर हुई थी, लेकिन हम खुश तो इतना हो गए थे कल के लिए, लेकिन बारिश कुछ हुई नहीं, खाली 5 मिनट के लिए हुई। और आज तो लगा लो अभी 10-15 मिनट से ऐसे बारिश होते रह रही है लगातार। और खेतों के लिए बहुत बढ़िया हो गया है, खेतों में बहुत तेल लग रहा था पानी इंजन चला के, तो अब मज़े हो गए हैं खेतों में भी आराम से। आप खेतों के लिए भी बारिश हो गई, और अगर लगाएंगे भी तो आप कम पानी लगाना पड़ेगा। मज़े हो गई है, बल्ले बल्ले हो गई है बारिश हुई तो सबके लिए, कि हमारे लिए नहीं सब लोगों के लिए। इस दिन का इंतज़ार सबको था कि बहुत बारिश हो, लेकिन अब हो रही है। अभी भी ये बारिश आधा घंटा हो तो और मज़ा आ जाए। अभी फ़िलहाल तो 10 मिनट हुए हैं बारिश आए हुए, लेकिन हो रही है ख़तरनाक वाली बारिश। और मौसम भी आवाज़ें निकाल रहा है गाइस। इसके मज़े लेते हुए सब लोग बैठे हैं बाहर, और मम्मी ने पकड़ाया छोटे छोटे से बाबू को। इसका अभी हुआ है खाना खाने का टाइम, और पहलवान उठते ही, और कुछ नहीं होता है, पहलवान जी अभी उठ रहे हैं हमारे। उठते ही सबसे पहले खाना खिलाया जा रहा है इसको। बोली ना वो भुखारे, ये भुखारा हमारा भुखारा। मम्मी कितनी सारी बारिश आ गई है, मजा आ गया आज तो। आज तो पूरे बाहर आ गई लगता है, इतनी तगड़ी बारिश आ गई। नहीं ना लेते अभी हम लोग सब लोग, क्योंकि अभी मौसम बाबू अभी आवाजें आ रही, तो ऐसे में डर होता ना नहाने का, तो इसलिए मैं इनको नहाने नहीं दे रही हूँ। खेत भी भर गए हैं इधर की ओर, तो अभी 1 घंटा भी नहीं आए, आधे घंटे में सारे खेत भर गए हैं इधर। किस किस के यहाँ आज बारिश हुई है कमेंट में बताना गाइस। हमारे यहाँ तो उल्दन में तो बहुत हो गई है आज, खेत ही खेत भर गए हैं मजे। अभी भी होने में ही है बारिश। कहाँ जा रहे हो? हम लोग खेत में जा रहे हैं। हाँ, सब खेतों में हो गया फुल पानी। हाँ, तो अब हम मेड़ वो अच्छे से जगह जगह जहाँ पे जहाँ पानी टूट रहा होगा उसको पूरा बंद करेंगे, कि दूसरे खेत में पानी न जाए, फिर अपने खेत सराबा बनाएंगे, फिर पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पापा हमें जा रहे हैं आप खेतों में, अपने 2-3 खेतों में, तीनों खेतों में जा रहे हैं। अच्छा। और हम आपको बाद में मिलेंगे, बाय बाय। अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, इतनी तेज बारिश आई थी, और मम्मी लोग भी आ गए हैं। सुबह गए थे 10:30 बजे, और अभी बज रहा है 1:30, और मम्मी लोग भी आ गए हैं खेत से। गाइस पिला दो पानी, गाइस पूरे गंदे होके आए। अच्छी गंदे नहीं होंगे तो क्या होंगे, नहाने दीदी तो बोल रही थी साफ होके आएंगे। गाइस अभी हमारा सारा काम शाम का खत्म करके हो रही है हमारी चाय। चाय भी देखो फुल फुल कप है, 3 होंगे, और एक महाराज जी हमारे, वो क्या खा रहे हो बता दो सबको। इसने दिन में भात नहीं खाया है, ये ऐसे सो गया था दिन में, और अभी खा रहा है ये दाल भात। और अभी भी ये नहीं खा रहा था, मुझसे कह रहा था मेरे पास 20 रुपये में टिक्की खाने जाना। अभी मैंने इसको डांटा, वैसे भी फैलना है बोला मैंने, टिक्की खा के और फैलेगा तू, स्कूल खुलने वाला है, 8-9 दिन की छुट्टी है, ऐसा बोला। तब जाके इसने थोड़ा कैंसिल करा इसने टिक्की का प्लान, वरना तो टिक्की खाने वाला था। अभी हचा हच भात खा रहा है, देखो गाइस। अभी इनके मस्ती के दिन गए, अब इनके थोड़े दिन बचे हैं बाबू, आज 23 तारीख हो गई है, बस 1 से इनका स्कूल है स्टार्ट। लड़की कहाँ से आई हो गया फिर, काम जिस काम के लिए गई थी बाबा? अरे बाबू जिस काम के लिए गई थी हो गया? क्या क्या करके आई, क्या बनाना था बाबू? स्कूल का काम था क्या था? अच्छा, अब कितना काम बचा है स्कूल का? 2 सब्जेक्ट बस। भैया का? अच्छा, एक में। अब चाय तो पी लिया गाइस, लेबर भी आए हैं खेत में पौधे उखाड़ने के लिए। अब कल लगेंगे हमारे 2 खेत, फिर बचेगा हमारा 1 खेत, फिर खत्म। मतलब 2-3 दिन का काम हमारा और है, 2-1 दिन का और है फिर।
गाइस हमारे यहाँ करेला और अमा काट रही है। मैं तो अभी झाड़ू लगा के आई हूँ, अब मैं भी अमा के साथ थोड़ा काटने लगती हूँ। अमा छिल लिया और मैं काटने लगती हूँ, और प्याज भी इतना सारा काटना। और ये आए हैं अभी डेयरी से, क्या रेट लग रहा है हमारा डेयरी में बताओ, पर्ची पढ़ो। पाँच किलो 32, अरे आंगुल दिखूम रहे लोग 3 किलो 5 32। लेबर आई है हमारे अभी पौधे छीलने, वैसे तो 16 लेबर है हमारे, लेकिन आ जाएंगे अभी 11 ना मम्मी। आज की बारिश से लोगों की सबकी मजे आ गए, देखो ये सब बारिश का पानी है। फटाफट जैसे बारिश आई वैसे लोगों ने ट्रैक्टर वैक्टर ला के खेत बना के, देखो गाइस पौध भी लगाने लग गए हैं। फुटा तो हमारी खाती नहीं, आप लोगों को पता ही है मैक्रोनी। और ये मेरी रही, और बच्चा पार्टी भी यहाँ पे खा रहे है, आयुष भी यहाँ पे खा रहा है। कैसी हुई है मंतु ने बनाई है, मस्त। जितना ठंडा होने लग गया कंबल उड़ गया, और खा लेना मेरे समोसा। हाँ मैंने पापा को कटोरी में दे दिया, अम्मा को भी दे दिया। बस मैक्रोनी बहुत अच्छी हो रही है, और आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग मैं यहीं पे करता हूँ। आई होप आपको लोग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट। मैक्रोनी खा के यहाँ पर आम खा रहे हैं सब लोग, हमने तो खा भी दिया आम, मैंने और दीदी ने भी खा दिए। और अमां कल तो कुछ है, क्या है बता, इधर देख क्या है कल, क्या है? कुछ तो है, कौन सा डे है बता? मेरा बर्थडे। बर्थडे क्या देगा मुझे? मैं क्या अगस्त में ही हो गया तो मंदा गिफ्ट कम मांगे मैं ले तो कुमरी आ गया दिन में बड़े गिफ्ट देना मुझे। मैं क्या दूंगा, सब लाना अपने अपनी तरफ से कल मेरे लिए गिफ्ट। ठीक है, कौन कौन लाते हो देखती हूँ। हाँ कल ठीक है, नकली वाला नहीं लाना कागज का खंड, तो असली वाला। सुना हर बार कागज देवे का। तो पैसे भी भाई जिनके पास इतने पैसे है ना, तो दोनों के पास इतने पैसे है लेकिन ये कभी पैसे वाले गिफ्ट नहीं लाता है, कागज का बना बना के। तो पैसे गुल्लक में है ना, फिर उससे निकालेंगे कैसे पूरा पैक है, हमने जरूरत के समय। हाँ आएगी होगा वो, चलो खत्म, अब जब भी होगा। हाँ गाइस ऐसे खाते हैं, पता नहीं खाते हैं हम, बर्बाद नहीं करना चाहते, बर्बाद नहीं करते हम, एक एक गुटली को सपेट कर देते हैं। देखो ये देख सकते हैं गाइस, सपेट कर देते हैं। और 50 रुपए का आम पकाए खाई है, मुझे भी खाई है घर के आम, घर के ना। हाँ मीठे कितने चले। हाँ और पेड़ के तो गाइस जब पत्ते गिरते हैं वो होता है, तो मैं कहती हूँ काट दे, पेड़ तो कट ही जान, ढल ही जान ना, आदर ना गुनो, अभी खा दे हमें। और आम भी सबसे अच्छे इसी पेड़ के होते हैं, मुझको मोटे मोटे वाले अच्छे नहीं लगते हैं। ये होते कौन से, दशहरी होते ना, बम्बई हो गए, वो मेरे को बेकार थोड़े तो अजीब मोटे मोटे। एसी चल रही है, अभी आए थे ना बुबू दुकान से, रवि अभी अभी हमारे सभी चले गए हैं, अभी हम दोनों और मम्मी हैं, तो अभी हम सोचते हैं कि क्या गिफ्ट दे, तो क्या गिफ्ट दे रहे, क्या लगता है? मैंने तो सोच लिया, मैं क्या गिफ्ट दूँ, क्या बताओ? मैं दिया मम्मी सूट। अच्छा, और मैं दूंगा मम्मी के लिए क्या, साड़ी।
पैसे भी होने चाहिए गाइस इसके लिए। पैसे मेरे पास है नहीं, सारे पैसे मेरे गुल्लक में है, उसके लिए मुझे गुल्लक फोड़ना पड़ेगा। हाँ, और मेरे को अपना गुल्लक फोड़ना ही चाहता हूँ मैं। मैं तो पिछले बार एक साड़ी भी पसंद आई थी मेरे को, पर मेरे पास तो मेरे पास पैसे नहीं थे ना उस समय, मैंने गुल्लक में रखे थे। हो तो जाएगा रे इतने से, मैं कुछ देख लूंगा वहाँ जाके, और तू हमारा देख लेना बस। मुझसे उधार ले सकते हो तुम दोनों, ऐसी उधार बात कौन नहीं लेता, उधारी का काम हम नहीं करते। क्या करोगे हम? नहीं ना, हमारे पास हम घर में ही कर देंगे उससे सजा के अच्छा सा बाहर से। अगर वो भी ना लगाए तो वैसे भी तो पेपर से बना के भी तो लिख सकते हैं, हैप्पी बर्थडे अम्मा, ये गिफ्ट है आप, ऐसा ऐसा कुछ लिख देंगे लाइन, तो इतना अच्छा तो हो ही सकता है। डन कर लेते हैं।